हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी ना मॉर्निंग वाला टाइम है और मैं बैठी हूँ, चाय भी पी रही हूँ और सब मतलब बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही थी और तो सोचा सबके लिए ही नाश्ता बना दूँ। तो सभी पराठे बना लेती हूँ और बच्चों, और ये तावा जो है मेरा ना बहुत पुराना हो गया है, तो किसी दिन मार्केट जब भी जाऊँगी मैं तो नया तावा ले आऊँगी। और यहाँ बच्चे तैयार हो गए हैं, खेल रहे हैं, तो देखिए क्या क्या बोल रही यार। अभी टाइम बचा था तो बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ा सा रूम सेट कर देती हूँ अपना। और यहाँ पे मैंने खाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो यहाँ चने और आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो पहले चने और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, उबाल लिया है, तो उसको अब अलग कर दे रही हूँ। थोड़ा सा चना को मैश कर दे रही हूँ ताकि मतलब खड़ा खड़ा रहता है तो नहीं अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैश हो जाएगा हल्का हल्का तो अच्छा लगेगा खाने में। बस ऐसे ही कर ले रही हूँ थोड़ा सा। और फिर इसके बाद मसाले तैयार कर ले रही हूँ। तो ये वाला अदरक जो है सड़ा हुआ था तो मैं दूसरा अदरक डाल ले रही हूँ। और अभी देखिए तेल भी चढ़ा दी हूँ मैं, तो मसाला मेरा तैयार हो गया, लहसुन प्याज अदरक मिर्ची। तो मैं इसको पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर अभी ना मैं तेल भी लाल हो गया है मेरा, तो इसमें डाल देती हूँ। और ये मॉर्निंग वाला मेरा खाना बन रहा है, वो नाश्ता भी इसी के साथ बन गया था। तो बच्चे और सभी लोग मतलब पापा जी हमारे सभी लोग नाश्ता भी कर लेते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची वगैरह सब डाल के मसाला तैयार कर रही हूँ और बाकी सब बना हुआ है। चावल भी मैंने बना लिया था तो बस ऐसे ही बना ले रही हूँ। और थोड़ा सा आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, सुबह से बारिश नहीं हुई थी लेकिन मौसम अच्छा था। कल से ही दो तीन दिन से मतलब मौसम अच्छा था। तो बस अभी बना ले, और इनको मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दीजिए, तो इन्होंने मतलब शूट किया है। और किस तरह से शूट किया, बहुत परेशान किए थे इनको। अभी मतलब वीडियो शूट करना नहीं आता है। और मेरा ये जो खिड़की है ना किचन वाली, तो बारिश की वजह से ये धब्बे धब्बे पड़ गए हैं, तो इसको साफ़ करना है। और देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा छोला मसाला डाल दी थी और गर्म मसाला डाल दी थी, तो इससे टेस्ट मतलब अच्छा हो जाता है। और टमाटर भी मैंने प्यूरी उसका ग्राइंड करके डाल दिया था, टमाटर प्यूरी। और इसमें चना डाल देती हूँ, आलू डाल देती हूँ ताकि ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आलू जब मैंने बॉईल किया था ना, तो इसका चने का कलर आलू में आ गया है, तो थोड़ा सा लाल लाल टाइप का हो गया है। और अभी देखिए बन गया है। और बाहर से जो रोशनी आ रही है इसकी वजह से सब्ज़ी का कलर अलग ही दिख रहा है। तो बस तैयार हो गया है, मैंने पानी डाल दिया है इसमें, बस हो जाएगा 5 मिनट में। और ये भी खाना का वेट कर रहे थे क्योंकि उनको बाहर जाना था। और यहाँ पर मैंने चावल भी बना लिया था मैंने ऊपर से खाली करके। और अभी ना सारा काम हमारा हो गया है, अभी बज रहे हैं 3 और हम मतलब सो चुके हैं, बैठे हैं। और ये मेरा ट्राईपॉड जो बचा खुचा था वो सारा तोड़ दिया है। और अभी ये स्कूल से आया है, खाना भी नहीं खाया है। क्या पिए वो? मट्ठा पिया है। मट्ठा अच्छा था मम्मी? मठवा पिया है। और मेरा ट्राईपॉड सारा तोड़ दिया, बदमाशी कर रहा है। और गाइस ये देखिए मोबाइल का कवर, मोबाइल का कवर है, मोबाइल का डिब्बा है। ये कैसा डिब्बा है यार, आजकल तो वैसे डिब्बा आता है ना, तो कवर कहाँ से लिखा आपने? मोबाइल का डिब्बा। और इसमें देखिए क्या भरा हुआ है, इसकी बदमाशी बिल्कुल भी नहीं जाती है। और इसके पास यही एक टी शर्ट बचा है, यही पहनता है, जब आएगा यही पहन लेगा। और सब लोग मतलब सब लोग बोलते हैं कि इसके पास यही टी शर्ट है और नया नया रखा है, अलमारी से निकालता नहीं, जो बाहर पड़ा रहता वही पहन लेता है। अरे मम्मी दादी बोलती हैं, बुआ बोलती हैं तुम्हारी,
तो निकाल के पहन लिया करो। आज क्या पढ़ाई हुई? आज आज कल नहीं गया था स्कूल और आज ये स्कूल गया था। तो कैसे रहा स्कूल आज 2 महीने बाद? हाँ, कुछ नहीं रहा। और यहाँ पे मैं ना वो बच्चों के लिए जो है दलिया बना रही थी, तो 4 बज रहे थे तो बच्चे बोले कि मम्मी कुछ खाना है, तो हम यहाँ पे दलिया बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कंकड़ मिट्टी ना हो। हो जाता है, पैकेट में रहता है तो क्या हुआ, थोड़ा सा चेक करना चाहिए। और यहाँ कुकर मैंने लगा दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है और इसको थोड़ा सा भिगो लेते हैं ताकि थोड़ा सा मुलायम हो जाए और निकल जाए। तो इसमें ना मैंने देसी घी रखा हुआ था तो उसको 2 चम्मच करके डाल दे रही हूँ। तो बस अभी ना ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, पिघल जाए और फिर इसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें दलिया। और दलिया खाने के लिए मतलब खाने में बहुत हेल्थी होता है, तो बच्चों को मैं कभी कभार मतलब बना के दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डाल दिया है तो बन जा रहा है दलिया। तो इसमें ना कुकर में मैंने गलती कर दी थोड़ा सा बना के, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुकर में अगर दूध वाली दलिया बनाओ, मीठी दलिया, तो बहने का डर रहता है। तो मैंने इसको सीटी लगा दिया था तो थोड़ा सा बह गया था। तो अभी देखिए इसको मैं भून लेती हूँ और फिर पानी लगा देती हूँ, उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी। तो बस 5 मिनट में पक जाएगा, और पक जाता है बट क्या होता है, थोड़ा सा पकता है तो उसके बाद ना दूध पूरा बाहर आ जाता है, यही होता है मेरे साथ। तो जल्दी से मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मलाई मोटी हो गई थी क्योंकि दूध पका के मैंने ढक के रख दिया था, तो ये मोटी हो गई तो मैं मलाई निकाल ले रही हूँ ताकि घी निकल जाए। तो इसको अलग कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद इसमें दूध डालना है तो वही डाल दूँगी। तो बस हो गया, बन गया। 5 मिनट में दलिया तैयार हो जाएगा। तो मैंने पूछा पापा से कि पापा जी खाएंगे? पापा कहे नहीं, हम नहीं खाएंगे, उनको नमकीन वाली दलिया पसंद है और बच्चों को मीठी वाली दलिया, तो बच्चों के लिए ही बनाई थी। बाकी मतलब बच्चे ही खाए हैं। तो बस बन गया। तो अभी ना हम किचन में दलिया बना रहे थे और ये देखिए हमने बना लिया है, पक गया है। कुकर में बनाओ तो थोड़ा सा पानी मतलब दूध वूध डाल के बनाओ तो बह जाता है, तो जल्दी से उसका ढक्कन खोल दी तो फिर ऐसे ही पकाई थी। और अभी बना ली हूँ तो दे दी हूँ बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि यश अभी 4 बज रहे हैं ना, तो यश को नाश्ता चाहिए होता है दोनों को। तो मम्मी बोली कि दलिया बना के दे दिया करो शाम को, और सुबह जो है चना वना दे देते हैं, पराठा चाय रहता है, अपना खा के स्कूल चले जाते हैं। और ये देखिए यही है ट्राईपॉड, मेरा सारा जो बचा खुचा था ना सब तोड़ दिया है। और तो चलिए खा लेते हैं, और हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं, नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोही के पत्ते काट दे रही हूँ, और मम्मी को पकौड़ी खाना था शाम के टाइम तो वही कट रहा है, आप प्रीति बनाएगी। और गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I